भाई नीचे करें, भाई नीचे करें, पूरा पीछे हो जाए भाई, एक मीटर एक और रुक कर भाई, भाई बना के जल्दी जल्दी पीछे आते जाओ, पीछे आते जाओ जल्दी जल्दी बना के, अरे कहाँ चढ़ रहे हो यार, मेरे दोस्त हम चल आज के बारे में क्या ये एक अच्छी सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची के लोगों का एक दीरीना मुतालबा था, आज वो वादा पूरा होने जा रहा है। अगर आप, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस तरह हम इसे ओन कर रहे हैं और हमने लोगों के लिए इसको लॉन्च किया है, लोग भी इसको वहाँ ओन करें और इसको ऐसे ही चलाएं, ऐसे ही इस्तेमाल करें जैसे वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। सो इंशाल्लाह शुरुआत अच्छी है और आगे भी अच्छा ही होगा, सफ़र कर सकें, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ बसेस की तादाद में इजाफा होगा, कराची में जो रूट्स बनाए गए हैं उसमें इजाफा होगा, ऑरेंज लाइन शुरू हो रही है, येलो लाइन रेड लाइन पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला वो भी कुछ उसमें बंद लगेगा लेकिन वो भी शुरू होंगी। लेकिन जो अभी बजट हमने मंजूर करना है असम्बली से, उसमें भी फतीह रकम रखी गई है नई बसेज की प्रोक्योरमेंट के लिए, वो बसेज भी आ जाएंगी और वक्त के साथ साथ कराची की सड़कों पर इन बसेज में इजाफा भी हो जाएगा। और मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कराची के शहरियों से कि इन बसेज को ऑन करें, इनको अपनी प्रॉपर्टी समझें, इनका ख्याल करें और इनको ख़राब किसी को ना करें। बड़े शहरों के लिए जैसे सफ़र हो गया हैदराबाद, लेकिन अभी पहले मरहले में कराची और उसके साथ आरखाना भी शुरू किया गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कराची के तरीके तमाम जो सुबह सिंह के जो शहर हैं उसमें ये शुरू हो जाएगी। इस तरह के पाकिस्तान के लिए तरक्याती काम किए हैं जिनसे हमारी आवाम भी खुश है और हम भी खुश है, और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा दिन है और आवाम इससे बहुत खुश होगी, क्योंकि अक्सर कहा जाता था कि सिंध में जो है ना पोसाने हाल है, सिंध में तरक्याती काम नहीं हो रहे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सिंध में किस कदर तरक्याती किस तरह की आपका काम हो रहा है। आप देखें जगह जगह जो है रोड बन रहे हैं, नालियाँ और इस तरह के काम हो रहे हैं, और आज जो है लॉन्च होने जा रही है हमारी बसेस सर्विस जो आवाम के लिए एक रिलीफ है, और इसमें हम बहुत खुश हैं। मुझे यकीन है